गुड मॉर्निंग दिव्या। चलो बेटा, दो होते हैं मेरे पास, एक शब्द आएगा फैंसी साहब के पास, लास्ट टॉपिक गैस करिए। वो आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम तो सुना होगा बेटा आप लोगों ने फ्रेम रेफरेंस का। क्या यस सर। मतलब होता है बेटा फ्रेम रेफरेंस का? सिर्फ नाम ही सुना मतलब है। चलो बताता हूँ, सुनो। सिंपल फंडा बेटा इसका क्या है। इसका मतलब ऑब्जर्वर है, सिंपल सी बात है। ऐसा बंदा जो मोशन को देख रहा है, ठीक है। अब बेटा देखो, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वर का मोशन, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वर भाई, बेसिकली ऑब्जर्वर चल रहा है, रेस्ट पे है, क्या है, वैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं दो टाइप, दो टाइप। इसका मतलब है ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का जो स्टेट है बेसिकली, वो चल रहा है, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, एक्सलरेट कर रहा है। तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा इसको। पहली कैटेगरी बेटा क्या है मेरे पास? इनर्शियल फ्रेम। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बेटा देखो, मुद्दे की बात है, फैंसी वर्ड है ये, ठीक है, लेकिन मतलब क्या है इसका? ऑब्जर्वर। तो बेटा अगर ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे हो या वो चल रहा हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, किससे बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर एक शब्द से लिखना हो बेटा तो क्या लिखूंगा इसको? रेस्ट पे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक शब्द लिखना है मेरे खाली, बताओ रोहित। सुखमन। जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सलरेशन। वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो अगर कोई बंदा रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसका मतलब क्या है? उसका ए जीरो बेटा मानते हो। तो अगर ऑब्जर्वर का ए जीरो है तो क्या बोलेंगे उसे? इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे बेटा। और अगर जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब वो एक्सलरेट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। परीक्षा बेटा, सर एक बार बताना दोबारा। वही लेट आया ना इसलिए बोल रहा हूँ। तो सुनो बेटा, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फैंसी सा वर्ड है लेकिन सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है क्या बेटा? ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर, ठीक है जी। तो ऑब्जर्वर बेटा चल भी सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, एक्सलेट भी कर सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेटा हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं बेटा, बेस्ड अपॉन मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक तो इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन जीरो है ना बेटा, ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन जीरो, तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग उसे? इनर्शियल फ्रेम बोल देंगे उसे। और अगर ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन जीरो नहीं है तो बेटा क्या बोलेंगे उसे? नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल। बात समझ में आ गई बेटा परीक्षा? यस सर। ठीक है बेटा। अब बेटा ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा क्यों, क्या खास बात है बेटा इसके अंदर, ठीक है? तो बेटा सिंपल सी बात है कि ना, जो इनर्शियल फ्रेम है बेटा, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ वैलिड होता है लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसका रीजन मैं दूंगा आपको, ठीक है? अभी पहली चीज क्या है, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ
वैलिड होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता। भाई लेट कौन आया, अभी कोई बच्चा लेट आया था, अभी कौन आया था लेट, कुणाल लेट आएगा बेटा? बेटा चलो सुनो, मैंने बताया है ना क्या कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा क्या है, ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वर, ठीक है जी। ऑब्जर्वर अगर एक्सलेट नहीं कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। और अगर ऑब्जर्वर मेरा एक्सलेट कर रहा है बेटा, क्या बोलते हैं उसे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और बेटा इनर्शियल फ्रेम के अंदर बेटा न्यूटन लॉ वैलिड होता है और नॉन इनर्शियल न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता। अब आगे कहानी सुन रहे हैं हम, ठीक है जी। चलो बच्चे बहुत लेट आते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। अब ये क्यों वैलिड नहीं होता सुनो, एक कहानी सुनाओ बेटा आपको मैं छोटी सी, थोड़ा फील आएगी आपको उससे। अभी बच्चे आ रहे हैं यार, क्या करूं। चलो मान लो आपने मूवी देखी है बेटा, गदर मूवी देखी है आप लोगों ने? यस सर, गदर है प्रेम कथा। तो बेटा उसी को मैं फ्रेम कर रहा हूँ, बेसिकली कहानी के फॉर्म में फ्रेम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रक बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक ट्रक बना रहा हूँ समझाने के लिए बेटा, ताकि याद रहे कहानी आपको ये, ठीक है जी। एक ट्रक बना रहा हूँ, ट्रक के अंदर हमारे पास कौन है बेटा? सनी देओल। सनी देओल, शाबाश। सबने देखी हुई क्या? सबने सबने मूवी देखी है? चलो ठीक है बेटा, सनी देओल है ट्रक में बैठे आराम से भाई साहब। पीछे कौन है? एक ब्लॉक रखा हुआ है ट्रक पे, और पीछे बैठी है अमीषा पटेल, वो फिल्म की हीरोइन थी बेटा। यस सर। तो बेटा सुनो क्या कर रखा है सनी देओल साहब ने, क्या कर रखा है कि अमीषा पटेल को रस्सी से बांध के अपने साथ कनेक्ट कर रखा है। मान लो हाइपोथेटिकल है कि सनी देओल साहब ने रस्सी बांध रखी है किसके साथ? अमीषा पटेल के साथ, ठीक है। और जो सरफेस है बेटा मेरे पास वो कैसा है? फ्रिक्शनलेस। कैसा है? फ्रिक्शनलेस। जो पीछे वाला होता है ना ट्रक का, वो फ्रिक्शनलेस है मान लो। और ट्रक बेटा जा रहा है आगे a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रक आगे जा रहा है बेटा, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? कहानी समझ में आई बेटा? ट्रक है, ट्रक में कौन है? सनी देओल साहब, वो ट्रक चला रहे हैं। पीछे कौन बैठी है? अमीषा पटेल, और एक ब्लॉक बैठा है रखा हुआ बेसिकली। तो जो पीछे वाला हिस्सा है वो बेटा कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। यहाँ तक कहानी समझ में बेटा? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, जैसे अपन ट्रक में सामान लोड करते हैं, मान लो ट्रक आके जाता है, मान लो तो सामान ट्रक के साथ जाता है या पीछे के जाता है? अरे ट्रक में सामान लोड करते हैं तो क्या होता है, सामान ट्रक के साथ ही आता है ना भाई, आना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस ब्लॉक को कौन साथ चलाता है? फ्रिक्शन। कौन चलाता है? फ्रिक्शन। इतनी बात समझ लो कि जो ब्लॉक को ट्रक के साथ कौन लेके जाता है? फ्रिक्शन ले जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही लगता है। सुनो मैं वीडियो ऑन करता हूँ। सुनो जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये इस हाथ पे पेन रख रखा है, अब मैं हाथ को आगे पीछे ले जा रहा हूँ बेटा, तो पेन साथ चल रहा है ना? चल रहा है। Yes, sir. चल रहा है ना, तो कौन साथ ले जा रहा है इसको? फ्रिक्शन। बट नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्रिक्शन है बेटा। बच्चों को लगता है कि फ्रिक्शन था रोकता है, नहीं, फ्रिक्शन चलाता भी है, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं तो फ्रिक्शन में आगे चलाता है बेटा, मानते हो? तो सिंपल सी बात है, फिलहाल इस केस में मान लो कि बेटा इस जो ऊपर वाला ब्लॉक है बेटा उसे कौन चलाता है? फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सर्फेस ऑफ ट्रक।
बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। अब बेटा सुन लो, अब देखो सनी देओल साहब की एक्सलेशन पूछूंगा, कितनी होगी बताओ? 5 5। शाबाश। अब तुम ये मान लो कि दो ब्लॉक को रस्सी से कनेक्ट करते हैं बेटा, तो अगर ये 5 से जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक कितने जाएगा? 5 से। तो अब सनी देओल साहब और अमीषा पटेल जो हैं वो रस्सी से बांध रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है जी। तो अगर सनी देओल साहब की जो है बेसिकली एक्सलरेशन 5 है तो अमीषा पटेल कितनी होगी? 5। ठीक है। अब पता, देखो सुनो, तो अमीषा पटेल तो पढ़ी लिखी इंसान है, ठीक है, वो अब तक ड्राइवर से फिजिक्स आते नहीं, ठीक है जी। तो अमीषा पटेल ने फिजिक्स लगाई थोड़ी सी, तो उसने क्या किया? अब बताओ अमीषा पटेल को मैं अगर ऑब्जर्वर मान लूं, क्या मान लूं? ऑब्जर्वर मान लूं, मान लो वो देख रही है, किसको देख रही है? ब्लॉक को देख रही है। तो बेटा ये बताओ अमीषा पटेल जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सप्रेशन है या नहीं है? बताओ भाई। है ना। तो बेटा ये कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल। अगर ऑब्जेक्ट के पास मेरे पास एक्सेलरेशन हो तो क्या बनता है बेटा? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बेटा एक बात सुनो, अब यहाँ फ्रिक्शन तो है ही नहीं बेटा, तो इसका मतलब क्या, ट्रक आगे निकल जाएगा और ब्लॉक वहीं गिर जाएगा बेटा, मानते हो? हाँ ना, बोलो। क्योंकि ब्लॉक को साथ चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। यहाँ फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो बेटा ट्रक आगे निकल जाएगा और ब्लॉक वहीं गिर जाएगा। लेकिन जब अमीषा पटेल देखेगी ट्रक को तो उसे क्या नजर आएगा कि ब्लॉक पीछे जा रहा है, उसे नजर आएगा बेटा, मानते हो? हाँ ना, बोलो। यस सर। यार आपने कभी अपने, मान लो आपने, आप जा रहे हो 10 से ऐसे और आपका फ्रेंड जा रहा है 15 से, तो अगर ये वाला फ्रेंड इसको देखेगा तो उसे लगेगा कि ये बंदा जा रहा है पीछे 5 से बेटा, मानते हो? माना बोलो। यस सर। यस। रिलेटिव वेलोसिटी। तो अमीषा पटेल को क्या लगेगा बेटा? उसे लगेगा कि ब्लॉक जा रहा है एक्सेलरेशन पीछे 5 से पीछे जा रहा है बेटा, मानते हो? यस। चलो अब ये तुमने सबको समझ में आ गया कि अमीषा पटेल देख रही है तो उसे लग रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो पढ़े लिखे इंसान थी भाई, ठीक है जी, उसने फिजिक्स लगाई, तो उसने फिजिक्स लगाई तो उसने देखा कि यार न्यूटन साहब ने कहा था बेटा कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स लगनी चाहिए बेटा, मानते हो? यस सर। इफ एक्सेलरेशन इज देयर, देन फोर्स मस्ट बी देयर। अब उसने फिजिक्स लगाई थोड़ी सी, उसने बोला चलो हम इसका बनाते हैं एफबीडी बनाते हैं, देखते हैं ब्लॉक पे फोर्स क्या लग रहा है, इसका मास एम मान लेते हैं बेटा, तो नीचे क्या लगेगा? धरती माता नीचे बुलाएगी बेटा, मानते हो? एमजी। ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है? इस तरफ बेटा, मानते हो? क्या इस तरफ कोई फोर्स है क्या? तो उसका दिमाग ठनका भाई, उसने कहा कि न्यूटन साहब ने कहा था अगर एक्सेलरेशन है ब्लॉक के पास तो भाई फोर्स भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई फोर्स है ही नहीं बेटा, मानते हो? तो इसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में, अमीषा पटेल के फ्रेम में क्या न्यूटन लॉ वैलिड है? नहीं है बेटा, मानते हो? उसको नजर आ रहा है कि पीछे जा रहा है ब्लॉक एक्सेलरेशन 5 से, लेकिन क्या इस तरफ कोई फोर्स है? फोर्स तो नहीं है। नो सर। इसलिए क्या बोलते हैं बेटा कि न्यूटन लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में बेटा वैलिड नहीं होते। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। तो बेटा अब न्यूटन साहब बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका लॉ फेल हो रहा भाई साहब इस फ्रेम में, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या कहा कि यार इनकी इज्जत रखनी पड़ेगी ना, साइंटिस्ट बहुत बड़े इज्जत रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि न्यूटन लॉ वैलिड तो नहीं है, तो उसे वैलिड करने के लिए कुछ ना कुछ करें हम लोग, तो वैलिड करने के लिए कुछ ना कुछ करें। तो न्यूटन लॉ को वैलिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, झूठ मूठ की फोर्स वैलिड बनाने के लिए, झूठ मूठ मतलब फॉल्स बेसिकली, ठीक है, तो उसका नाम दिया सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है?
फॉल्स ही होता है, ठीक है, सूडो मतलब फॉल्स। तो अब न्यूटन साहब की इज्जत रखने के लिए हम एक सूडो फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सूडो फोर्स। अब बेटा वो उसकी वैल्यू कितनी है, किस तरफ लगाएं, मतलब जान हमें पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम वैलिड नहीं है, ठीक है जी। वैलिड बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सूडो फोर्स। अब उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, हमारे को डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ तुम, कॉमन सेंस बताओ मुझे कि सूडो फोर्स मुझे किधर लगानी पड़ेगी, इस ब्लॉक पे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि तो एक्सेलरेशन उस तरफ है बेटा। तुमने खुद ने बता दिया कि भाई सूडो फोर्स इधर लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। अब तुम ये भी बता दो मुझे कि भाई कितनी लगानी पड़ेगी, कॉमन सेंस है, 5 m। हाँ, ब्लॉक का मास कितना है, m into a करते हैं, ब्लॉक का मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो बेटा 5 m की फोर्स लगानी पड़ेगी लेफ्ट की तरफ, तब ये वैलिड हो जाए बेटा, मानते हो? यस सर। तो अब इसको रटने का तरीका क्या है, सुनो, रटने का तरीका जो मैं सिखाता हूँ बच्चों को, वो तरीका ये है, जिस तरफ ऑब्जर्वर जा रहा है जिस तरफ ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट, उससे अपोजिट में फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी। देखो अमीषा पटेल किधर जा रही थी बेटा, एक्सेलरेशन किधर था इसका, राइट की तरफ बेटा, मानते हो अमीषा पटेल का, तो फोर्स किधर लगी, बोलो भाई, फोर्स लगी लेफ्ट की तरफ बेटा, मानते हो, तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मैं एफ पी लिख रहा हूं, वो आएगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, किसका लूं, अमीषा पटेल किसका, यानी ऑब्जर्वर, और साइन कैसा लगाऊं बेटा इसके आगे, नेगेटिव लगा दूं, नेगेटिव क्यों लगा रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि जिस तरफ अमीषा पटेल की थी उससे अपोजिट मुझे सूडो फोर्स लगानी पड़ी, तो वैल्यू याद रहेगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट या जिसको हम देख रहे हैं बेटा, और एक्सेलरेशन किसका लेंगे, ऑब्जर्वर का लेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। क्या ये कहानी समझ में आई? यस सर, यस। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें सवाल पूछना चाहिए था मुझसे कि सर आपने बोला कि ये ना न्यूटन लॉ बेसिकली नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होता, ठीक है, तो इनर्शियल में वैलिड कैसे प्रूव करो, इसी केस में प्रूव करें बेटा। yes. तो वही सारी कहानी लेंगे, सनी देओल लेंगे, अमीषा पटेल लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, एक्सेलरेट नहीं कराएंगे, क्योंकि फर्क क्या होता है इनर्शियल नॉन इनर्शियल में, एक्सेलरेशन बेटा मानते हो, आना बोलो। यस सर। तो सुनो फिर से, वो ड्रामा करते हैं फिर से, तो क्या है सिस्टम इसका, मेरे को फिर से हम ट्रक बनाएंगे बेटा, ठीक है जी, ये ट्रक है हमारा, फिर से सनी देओल साहब आएंगे, रस्सी बंधी होगी किसके साथ में, अमीषा पटेल के साथ में, और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, वही फ्रिक्शन लेस सब कुछ। अब जो ट्रक है बेटा वो जा रहा है बी इज इक्वल टू 5, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ट्रक जा रहा है बेटा, ठीक है। अब बताओ अमीषा पटेल क्या लगेगा बेटा, बोलो भाई क्या लगेगा इसको, ये ब्लॉक चल रहा है, चल रहा चल रहा, तो उसे लगेगा ब्लॉक जा रहा है पीछे की तरफ, अब एक्सेलरेट करेगा या वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी 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 आएगी 5 m/s, अब वो फिर फिजिक्स लगाएगी, तो क्या करेगी वो, इस पे एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर जा, वो इधर रहा है बेटा, तो क्या आप वो एक्सप्लेन कर पाएगी इस चीज को? यस सर। कैसे सर, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। हाँ गुड,
देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, बट मानते 5 से ज्यादा लगातार वो, तो क्या अगर कोई बॉडी 5 से लगातार जा रही, क्या फोर्स चाहिए उसके लिए? बोलो भाई। नो सर। तो सिंपल से फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अब देखो अमीषा पटेल कैसा है, कैसी है बेटा, इनर्शियल फ्रेम बेटा मानते हो, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन नहीं है। तो इनर्शियल फ्रेम में बेटा न्यूटन लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल बेटा वैलिड नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। आगे सवाल सवाल कर लें फिजिक्स में जो आते हैं, अच्छे से सवाल, तीन चार सवाल हैं, अच्छे से करा दूं? यस सर। तुम एक बात बताओ, सूडो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन लगाते हैं? अपोजिट टू एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और लिख लो बेटा इसमें ना, थोड़ा ध्यान रखना, अभी तुम्हें पता नहीं, आगे तुम पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास, तो सूडो फोर्स कहाँ लगती है? सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास। आगे चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास, तब तुम्हें फील आएगी ढंग से, एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास, भूलना मत ये बात, ठीक है? सूडो फोर्स कहाँ लगती है? सेंटर ऑफ मास। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? उसके सेंटर पे लगेगी बेटा। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। चलो अब दो तीन सवाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, लॉजिकल सवाल है, करोगे तो मजा आएगा, ठीक है? चलो मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, क्या है? इंक्लाइन प्लेन। इस पे अगर मैं मास रख दूं बेटा ऐसे, तो क्या ये मास नीचे आएगा या नहीं आएगा? बोलो। आएगा सर। आएगा सर। आएगा। कितनी एक्सेलरेशन से? भूल गए सारे सारे। जी साइन थीटा। जब भी इंक्लाइन प्लेन आए ना बेटा, तो वो करना क्या है, ब्लॉक पे फोर्स लगता है इस तरफ, इधर कितना लगता है? एम जी साइन थीटा। और उसके 90 पे क्या लगता है बेटा? ऐसे एम जी कॉस। ये याद रखना बेटा, हर जगह काम आएगा, पूरी फिजिक्स में काम आएगा 11वीं में, ठीक है? तो ये याद रखो ऐसे। अब ये आएगा नीचे एक्सप्रेशन जी साइन थीटा। अब मैं चाहता हूं कि ब्लॉक नीचे ना आए, ब्लॉक नीचे ना आए, तो मैं जो ये वेज दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? वेज दिख रहा है बेटा, मानते हो? यस सर। ये वेज जो है बेटा, इसको किस तरफ चलाऊं मैं, ऐसे चलाऊं या ऐसे चलाऊं, और कितनी एक्सलरेशन से चलाऊं ताकि ये ब्लॉक नीचे ना आए? ये मेरा सिस्टम है, तुम्हें लगता है चलाने से काम बन जाएगा या इससे भी काम नहीं बनेगा? बोलो, रियल लाइफ प्रॉब्लम है बेटा, सोच के देखो। कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा वन आइडिया, पक्की बात है ना? बोलो। चलाने से काम नहीं चलेगा, फोर्स लगानी। अच्छा, फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर चलाने से काम नहीं चलेगा है? जितनी एक्स एक्सिस में फोर्स लगेगी उसको कैंसिल करना पड़ेगा, जो एक्स के अलावा लगेगी। अच्छा चलो देखते हैं बेटा, सुनो आगे से ना, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, चीटा। क्या पढ़ाऊंगा? चीटा या चीटी जो बंदी बना लो, मैं क्या करूंगा, एक चीटा बन के बैठ जाऊँ। चीटा क्यों बोल रहा हूँ बेटा मैं इसको, चीटा या चीटी जो भी, चिट्टी बोले चलो, ठीक है चिट्टी लेते नाम इसका, ठीक है? तो एक चीटी क्यों बोल रहा हूँ, चीटी मास बोलते हैं बेटा, मानते हो? चीटी क्यों बन रहा हूँ, मास कम है, मैं यहाँ बैठ गया, मान लो इसको चीटा बन गया, चीटी बन गया, मैं यहाँ बैठ गया, और मान लो मैंने इसको चलाया इस तरफ, वेज को चलाया इस तरफ, एक्सेलरेशन ए, मान लो
तो बेटा ये बताओ इस चींटी का एक्सटेंशन कितना है, बोलो भाई। भाई वैसे बैठे तो चलेगी साथ में, आना बोलो। यस सर। तो इस चींटी का एक्सटेंशन बेटा इधर ऐसे मानते हो। अब इसका एक्सेलरेशन ऐसे है और ये इस ब्लॉक को देख रही है, तो बताओ मुझे चीटा या चिट्टी जो भी है ये जो है कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? नॉन इनर्शियल। अच्छा तो अब इस ब्लॉक को देख रही है तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स, आना बोलो। लगेगा ना बेटा, मानते हो? किधर लगेगा, आगे या पीछे? पीछे पीछे लगे बेटा, ऐसे मानते हो, आना बोलो। यस सर। अगर इस वेज को एक्सटेंड कर लूं ऐसे तो ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, मानते हो बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला फंडा। अरे यार तुम हॉट। यस सर। तो बेटा इस पे फोर्स लग रहा है एम इंटू ए। सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर बेटा। तो मैंने एम इंटू ए लगा दिया, मानते हो? बोलो भाई। यस यस बेटा, इस एम ए का कंपोनेंट क्या आएगा ऊपर की तरफ, बताओ क्या कंपोनेंट आएगा इसका? एम ए कॉस थीटा। वेरी गुड, एम ए कॉस थीटा। अब इस ब्लॉक पे नीचे कौन खींच रहा है, एम जी साइन थीटा। ऊपर कौन खींच रहा है, एम ए कॉस थीटा। अगर मैं चाहता हूँ बेटा ये नीचे ना आए तो क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स बराबर होने बेटा, मानते हो? यस सर। तो एम ए कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। अब बेटा एम ने एम को मार दिया, साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेन। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, जी टेन थीटा। बात समझ में आई या प्राण निकल गए? आगे सर, आगे सर। सिंपल सी बात है बेटा, इसको इस तरफ चलाऊंगा ना बेटा मैं तो सूडो फोर्स ऐसे आएगी तो वो उसको रोक पाएगी। अब आप इसको भी देखते हैं, इस केस को देख लें बेटा, अगर चलाते हैं इसको ऐसे चलाते हैं तो फिर देखें कैसे बनेगा सिस्टम, देखें। बोलो भाई। यस चल, अगर मैं चलाता बेटा इसको ऐसे ए से तो सूडो फोर्स कहाँ लगती बेटा, ऐसे अपोजिट लगती बेटा, मानते हो? आना बोलो। यस सर। अगर मैं चीटा बन के बैठ जाता यहाँ पे बेटा ऐसे तो मेरा एक्सेलरेशन इधर होता बेटा, तो इधर एम ए लगता, ये एंगल क्या होगा थीटा। इधर ऑलरेडी क्या लग रहा बेटा मेरे पास, इस तरफ ऑलरेडी क्या था, आना बोलो। यस सर। अब एम ए कंपोनेंट क्या आएगा इस तरफ, एम ए कॉस थीटा। तो बेटा ये एम जी साइन ऑलरेडी यहाँ था, एम ए कॉस भी आ गया, तो बेटा ये रोक रहा है या सपोर्ट कर रहा है इसको नीचे आने में? सपोर्ट कर रहा है। तो जल्दी नीचे आ रहा है बेटा, मानते हो? यस सर। तुम्हारा काम क्या था बेटा, उसको रोकना था या नीचे लाना था? रोकना था। तो बेटा किस तरफ चलाएंगे उसे, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई, या प्राण निकल गए? बोलो आगे। सब लोग बोलो भाई, नहीं आया तो एक रिपीट। आ गया सर। आ गया सर। चलो अब सुन बेटा, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछना, देखो अब ऊपर वाले केस में देखे बेटा, आपका जैसे यहाँ पे था अपने पास,
तो इस केस में बेटा ऊपर कौन खींच रहा था, एम ए कॉस थीटा ऊपर खींच रहा था और एम जी साइन थीटा बेटा नीचे बेटा, मानते हो? अब क्या ये पॉसिबल है कि इस ब्लॉक को हम ऊपर ले जाएं, नीचे आए ना ऊपर चल जाए, क्या ये पॉसिबल है? अब तक रोका था, मतलब चले ना अब तो ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि रोकना नहीं है, इसको ऊपर जाना है, क्या ये पॉसिबल है? बोलो भाई, सोचो, दिमाग लगाना, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बोलो, मैं नहीं दूंगा आंसर इसका, तुम दोगे। बोलो, पॉसिबल है या नहीं है? है सर, अगर कैसे, कब? एम में कोस थीटा एम जी साइन थीटा से बड़ा हो जाएगा तो? देखो ऊपर वाला फोर्स अगर बड़ा हो जाए किससे, ये वाला, तो एम ने एम को मार देना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ए बड़ा है किससे, जी टेन थीटा से, तो बेटा वो नीचे जाने क्या करेगा, ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई? और अगर ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा है तब तो वो स्टेबल रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, और अगर ए छोटा है किससे, जी टैन थीटा से तो वो नीचे आएगा। तो नीचे। ये सवाल पूछा गया है बेटा, ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए, एस सी वर्मा की कॉलम है बेटा, ठीक है, जो मैंने आपको कराई ना, ये एस सी वर्मा की कॉलम है, तो समझ में आई या नहीं आई? चलो एक और सवाल करें बेटा ऐसा, अगर ये समझ में आ गया तो। चलो देखो, अब तुमने देखा हो, जैसे तुम कई बार गाड़ी चलाते हैं हम लोग, ऐसे कुछ गाड़ियों में बेटा मेरी कार थोड़ी गंदी बनेगी, ठीक है जी, जो भी है तुम देख लेना सिस्टम, मैं सिर्फ इतना पोर्शन बता रहा हूँ गाड़ी का, ठीक है? यहाँ पे तुम देखा हो कुछ लोग टांगते हैं ऐसे गाड़ी में, कोई बॉब टांगते हैं, देखा हो तुमने, हनुमान जी टांगते हैं, कोई कुछ टांगते हैं, देखा है तुम लोगों ने या नहीं देखा? चलो सुनो, अगर मान लो गाड़ी एक्सलेट कर रही है, मान लो गाड़ी एक्सलेट कर रही है आगे की तरफ, कुछ मान लो 5 10 कुछ दे रखा है आपको, ठीक है जी? तो आपने देखा होगा बेटा, ये जो हनुमान जी है जो भी है, ये बंदा ऐसे होता है, टेढ़ा होता है, देखा कभी जीवन में? ठीक है, तो बेटा ये जो एंगल थीटा है, मान लो बॉब का मास एम है मेरे पास, ये थीटा कितना है ये निकालना है, क्या आप निकाल पाओगे? सवाल समझ में आया सुखमन? यस अच्छा, तो कैसे करेंगे बेटा? सोच कैसे करेंगे, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? सूडो फोर्स चल रहा है बेटा, मानते हैं, तो कंसेप्ट भी क्या लगेगा, सूडो फोर्स का लगेगा बेटा, मानते हैं, तो क्या करेगा तू? तू ना इसके फ्लोर पे चीटा बन के बैठ जा, इसके फ्लोर पे चीटा बन के बैठ जा, अब बता चीटा का एक्सप्रेशन है या नहीं है? है चीटा एक्सप्रेशन, इधर है ए, तो बेटा क्या करेंगे? देखो सुनो, ऐसे कोई सिस्टम बन गया मेरे पास, ये रस्सी इधर बंधी हुई है, ऐसे कोई एंगल थीटा है मान लीजिए, तो बेटा इस टाइम पे इस वाले बॉब पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं बता, मैं बता सुखमन, फोर्सेस बता कितने लग रहे हैं बेटा? कोई बताओ, कोई बच्चा सुखमन नहीं था पता, तुम बताओ कोई, मैं बता बेटा, एम जी सूडो फोर्स। वेरी गुड, एम जी नीचे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, सूडो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट लगेगा, शाबाश। और क्या लग रहा है बेटा, सोच, भाई रस्सी है, रस्सी में क्या लगती है?
टेंशन टेंशन रस्सी के लोन लगे बेटा मानते हो हाँ ना बोलो यस सर अब ये बॉब जो है बेटा रेस्ट पे बेटा मानते हो पीछे तो आ गया वो पीछे अगर रुक गया ना बेटा मानते हो तो ये बॉब कैसा है रेस्ट पे है बेटा तुम्हें सिखाया था इक्विलिब्रियम याद था इक्विलिब्रियम सिखाया था मैंने तुम्हारे को समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो समेशन ऑफ एफ वाई बराबर जीरो तो बेटा अब क्या करें कौन कौन से फोर्सेज एक्स और वाई में है एम ए तो एक्स में है ये वाई में है तो क्या इनको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या कॉम्पोनेंट करेंगे इनके तो किससे कॉम्पोनेंट करेंगे हम लोग ठीक है करेंगे तो टी के लिए ऐसे ये थीटा बेटा तो ऑल्टरनेट एंगल क्या बनेगा थीटा बन जाएगा जेड बन रहा देखो मानते हो ये जेड यस सर यस सर तो इधर क्या आएगा बेटा टी कॉस थीटा और इधर क्या आएगा बेटा मेरे पास टी साइन थीटा अब तो कर पाओगे बेटा तो बताओ समेशन ऑफ एक्स बराबर जीरो क्या मिलेगा आपको एम ए इक्वल टू टी साइन थीटा हाँ जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए गुड शाबाश और एफ एक्स वाले से एफ वाई से क्या मिलेगा टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी तो हमें क्या निकालना है क्या निकालना है थीटा निकालना है तो डिवाइड मारते हैं बेटा इक्वेशन को ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू डिवाइड करते हैं क्या बनेगा तीन टी को मार देना है साइन वाई कॉस क्या बन जाएगा टेन थीटा एम ने एम को मार देना है वैल्यू क्या आ गई ए बाई जी तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास इससे टेन इनवर्स ए बाई आई बात समझ में या नहीं आई बोलो आ गई सर सर अगर कार 5 एक्सेलरेशन से जा रही है तो वो रेस्ट पे कैसे आ सकते हैं वाओ चीटे के फ्रेम में किस में डील कर रहे हैं बेटा हम लोग ऑब्जर्वर कौन है बेटा बता चीटी अब एक बात सुन मान तू बैठा है यहाँ पे गाड़ी में तेरे साथ कोई और बैठा है ठीक है जी तू उसे देख रहा है तो तुझे वो रेस्ट में जाएगी या चलती में जाएगी रेस्ट बस वही है तो गाड़ी में बॉब है और गाड़ी में चीटा है ठीक है जी कोई बाहर का बंदा देखता है इसलिए बोलता हूँ फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है कोई बाहर का बंदा देख रहा होता है ना बेटा ऐसे यहाँ से तो उसे क्या लगता है कि बॉब यहाँ चल रहा है बट इसका एक्सप्रेशन कितना बॉब का इस तरफ पांच मारते हैं आपका ठीक है जी बात समझ में आ रही है आ गया तो अच्छी बात है फ्रेम जब भी ना सवाल करो तो फ्रेम चूज कर ला करो फ्रेम कौन सा आगे से ठीक है जी तो ये छोटी सी कहानी है बेटा किसकी सुडो फोर्स की आई होप समझ में आया चलो एक और सवाल पूछता हूँ बेटा मैं आपसे मेरा फ्रिक्शन इन्वॉल्व करेगा उनको फ्रिक्शन तुमने पढ़ा नहीं अब तक उसमें ठीक है सुडो फोर्स के सवाल फ्रिक्शन के साथ मिक्स होकर आते हैं बेटा ज्यादातर ठीक है तो फ्रिक्शन अभी पढ़ा नहीं हमने अब नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे बेटा फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे हम लोग ठीक है जब तुम स्कूल आओगे ना बेटा तो हम फ्रिक्शन ही स्टार्ट करेंगे ठीक है तो स्कूल कल सब लोग आ रहे हो स्कूल नहीं आ रहे हो बोलो भाई कल स्कूल आओगे क्या कोई जवाब नहीं दे रहा भाई साहब सर कल का तो पक्का नहीं है कल का पक्का नहीं है अच्छा मंडे से आओगे फिर यस सर अच्छा कल तो फिर फ्राइडे है तो सैटरडे भी नहीं आओगे फिर तुम तो दो दिन तीन दिन छुट्टी मार रहे क्या कोई कारण है क्या या मन नहीं है छुट्टियां तुम्हारे ऑलरेडी बहुत मिल चुकी हैं और छुट्टी मारो तुम लोग सर घर पे नहीं है घर पे नहीं बाहर गए हो तुम लोग यस सर अच्छा चलो कोई नहीं मंडे से आ जाओगे यस सर क्योंकि जो ऑनलाइन अपने वहां पे फ्लैट पैनल लगवा रखा है ना अपने उसमें तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगा सारा सिस्टम ठीक है स्मार्ट बोर्ड जो अपना देखा तुम लोगों ने yes, उसको पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत एनिमेशन में दिखाऊंगा फ्रिक्शन वाले तुम्हें मजा भी आएगा ठीक है तो ठीक है ये चैप्टर न्यूटन लॉ तुम्हारा खत्म हो गया बेटा ठीक है न्यूटन लॉ इज ओवर नाउ इसे क्वेश्चन कराने क्वेश्चन और करा दूंगा ठीक है एक दो लेक्चर और लाया क्वेश्चन करा दूंगा फिर तुम कंफर्टेबल जाओगे न्यूटन लॉ में ऑल्दो ये चैप्टर था मुश्किल
ऑल दो इतना मुश्किल तो नहीं है बेटा। अब तक जो पढ़ाया जब तक सबसे आसान लगा हुआ तुम्हारे को ये क्या मुश्किल लगा? आसान लगा। चलो फ्रिक्शन भी बहुत आसान है, फ्रिक्शन तुम्हें ढंग से करा दूंगा बेटा। आना चैप्टर बड़े आसान लगे तुम्हारे को, ठीक है सर? कल से कराओगे नया चैप्टर? हाँ बेटा, अब बताओ तुम रिकॉर्डिंग कर लूंगा या तुम्हारे? ठीक है जी, और तो कर सकता हूँ ठीक है, बट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा स्कूल में नहीं होगा राम जाने, ठीक है तो वो चीज देखनी पड़ेगी बेटा। सर टेस्ट के आंसर की भी सेंड कर दूंगा। हाँ टेस्ट के आंसर की मैं कल तुम्हें स्कूल में करा दूंगा सर, या भी भेज देता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? मैं 2:30 बजे फ्री हो जाऊंगा, 3 बजे फ्री होऊंगा, तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो कल मिलते हैं फिर आपसे, बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर।